देखिए दोस्तों, अब मैंने कढ़ाई को गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है और ये मूंगफली ली है मैंने इतनी, तो ये मूंगफली मैं इसमें डाल के हल्का हल्का मध्य आंच में इनको भून लूंगी। चलिए फ्रेंड, अब हम इसको कम आंच में, मीडियम आंच रहने दिया है मैंने गैस का, मीडियम फ्लेम, और अब मैं ये मूंगफली को गूंज रही हूँ। तो ये मेरी मूंगफली जो है मीडियम फ्लेम में ही गूंजना है, नहीं तो ये अगर तेज फ्लेम पे रहेगा तो ये मूंगफली जल जाएंगी। तो चलाते हुए अच्छे से उलट पलट करके फ्लेम में इनको अच्छे से मूंगफली को भून लूंगी। मेरी मूंगफली जो है हल्की हल्की गर्म हो चुकी है और मीडियम आंच में ही मैं इनको सेक रही हूँ ताकि ये जले ना। फिर हम बड़ा बनाने जा रहे हैं, तो बड़ा बड़ा बनाएंगे साबूदाना आलू और मूंगफली का, बहुत ही टेस्टी होता है ये। व्रत में तो खाने में और भी अच्छा रहता है, क्योंकि ऐसी चीज खा लो, एक दो खा लो तो पेट इतना अच्छा भर जाता है। ये हल्का हल्का ब्राउन सा हो रहा है, मतलब हल्का हल्का भुन गया है मूंगफली, थोड़ा चटकने देते हैं, उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे और मूंगफली को हम चलाते रहेंगे ताकि वो कहीं एक जगह जले ना। उसको अच्छे से चलाते हुए हम इसको भून लेंगे मूंगफली को, और अभी 1 मिनट तक और भूनेंगे फिर ये चटक जाएगी, क्योंकि ये अच्छे से भुनने लगी है। तो चलिए गाइस, इसको भून लेते हैं हम। गाइस, अब मेरी मूंगफली जो है अच्छे से चटकने लगी है। मेरी मूंगफली भुन गई है, तो अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और मैं एक बाउल में मूंगफली को निकाल लूंगी। तो मैं इस बाउल में मूंगफली को निकाल रही हूँ। ये मैंने निकाल लिया है, मेरी मूंगफली भुन गई है, अब मैं इनके छिलके उतार लूंगी। देखिए गाइस, मैंने मूंगफली के छिलके निकाल लिए हैं और अब मैं इसको थोड़ा दरदरा मिक्सर में पीसने जा रही हूँ। चलिए गाइस, मिक्सर में पीस लेते हैं। देखिए गाइस, मैंने ये मिक्सर जार में दरदरा इसको पीस लिया है। अब हम जो है बड़े बनाने की तैयारी चालू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेते हैं, थोड़ा बड़ा ही लेना है बाउल, पर उसमें हमारे ये जो खिले खिले साबुदाना है ये इस पे डालना है। इस तरह से हम डाल देते हैं, इस तरीके के खिले खिले ही साबुदाना लेने, तभी क्रिस्पी बड़े बनेंगे साबुदाना के। और इसमें हम थोड़ी सी मूंगफली जो हमने दरदरी करके रखी थी वो मिक्स करते हैं। ये मैंने दो आलू लिए थे मीडियम साइज के, इनको कद्दूकस करके पहले ही रख लिया था उबाल के, तो अब मैं इसमें इसको मिक्स कर देती हूँ। इसके बाद इसमें मैंने ये हरी मिर्च और हरी धनिया और अदरक, ये सभी चीज़ें जो है मिक्सर में दरदरा कर लिए, तो इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा सा जीरा डालना है, उसके बाद में ये जो उपास वाला नमक है, व्रत वाला, ये नमक डालना है। तो गाइस, ये अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालिएगा। इन सबको डालने के बाद इन सबको अच्छे से मिक्स करना है, जितना अच्छे से मिक्स करेंगे उतना अच्छा रहेगा, बड़े उतने अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, काफ़ी अच्छे से मिक्स करेंगे, मेहनत से थोड़ी। और ये उपास वाला है, व्रत वाला है, तो इसमें काफ़ी कम चीज़ें ही डलेंगी। सारी चीज़ें जो है जो उपास में यूज़ होती, व्रत में यूज़ होती हैं, उन्हीं को डाला हुआ है मैंने।
और इनको जो है मैं 2 मिनट तक अच्छे से ऐसे करके मिक्स कर लेती हूँ। देखिए गाइस, मैं अच्छे अपने हाथों की सहायता से इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जितना ज़्यादा हम इसको मिक्स करेंगे उतना ही अच्छे हमारे बड़े बनेंगे क्रिस्पी। तो ये मेरा जो मिक्सर है ये सारा एकदम अच्छे से हो गया है, अब ये बड़ा बनने के लिए तैयार है। तो इसको जो है अच्छे से हम मिक्स करके ऐसे इकट्ठा कर देते हैं और 1 मिनट तक इसको साइड में रख देंगे ढककर। और चलिए अब हम कढ़ाई चढ़ाते हैं और बड़े बना बना के रख लेते हैं। अब 1 मिनट हो गए गाइस, अब हम इनको बड़े के साइज आकार में बना के रख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम इनको ऐसे ही बनाएंगे तो ये चिपकेंगे हमारे हाथों में। तो ये मैंने तेल लिया है ऑयल, तो इसकी सहायता से मैं ये बड़े बनाऊंगी। पहले हम बड़े बना बना के रख लेंगे और फिर कढ़ाई चढ़ा के इनको एक साथ सेक लेंगे। देखिए गाइस, कितने अच्छे मेरे बड़े बन रहे हैं, एकदम गोल बना सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से बन रहा है ये मेरा बड़ा। मैं इनको थाली में ऐसे रख लेती हूँ और सारे बड़े को भी इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। ऑयल हाथों में लगाना है गाइस, नहीं तो ये हाथों में चिपकेंगे, क्योंकि हमने आलू डाला हुआ है और मूंगफली भी डाला है। इसी तरीके से मैं सारे बड़े तैयार कर लूँगी। देखिए गाइस, ये बहुत अच्छे से बड़े हमारे बनकर तैयार हुए हैं। अब ये देखिए, ये सारे बड़े हमने बना के तैयार कर लिया है और भी बड़े हैं। देखिए गाइस, ये इतने बन के तैयार हो गए, रेडी हो गए हैं। और ये इतना बैटर बचा हुआ है मेरा, तो ये जब मैं सेकते चलूँगी तभी इनको बना बना के कर लूँगी। अभी जब तक हम इतने सेकते हैं, चलिए अब हम सेक लेते हैं। गाइस, मैंने गैस ऑन करके रख दिया है और उसमें मैंने ऑयल भी डाल दिया है। अब मेरा ऑयल गर्म हो रहा है और ये जो बड़े हैं हमें मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। अगर हम एकदम तेज में पकाएंगे इनको तो वो अंदर से कच्चे रहेंगे, इसलिए इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। तो चलिए गाइस, अब हम इसको पका लेते हैं। कहती हूँ कि तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ। मेरी कढ़ाई हो चुकी है, तो अब मैंने जो बड़े तैयार करे थे तो मैं इसमें ये बड़े डाल देती हूँ। मैं सिर्फ 2 ही बड़े डालूँगी और 2-2 करके ही सेकूँगी, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे से सेकेंगे। 2-2 करके सेकेंगे हम, तो क्योंकि जगह जो है उसमें कढ़ाई में, कढ़ाई छोटी है तो उसमें जगह समझ में नहीं आ रही है। गाइस ये देखिए, एक साइड से हमारा बड़ा जो है हो गया है और एक साइड से अब हम दोबारा पे इसको पलट रहे हैं। तो ये देखिए, थोड़ा ब्राउन ब्राउन हो गया है। कितने अच्छे हमारे बड़े जो है सिक रहे हैं, बहुत ही अच्छे से। इसको मीडियम फ्लेम पे ही रख के इसको सेकना है, नहीं तो अंदर से ये कच्चे रहेंगे और ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर आएंगे। गाइस बहुत ही खाने में टेस्टी होते हैं, व्रत के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। थोड़ी ये हैवी वाला व्रत के लिए वो हो जाता है फलिहारी, तो अगर हम इसको 2 या 3 जो है खाएंगे तो हम दिन भर के लिए फ्री हो जाएंगे। 4-6 घंटे के लिए हमको एकदम भूख का एहसास नहीं होगा। तो इसको हम मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर पका लेते हैं। देखिए गाइस, ये मेरे जो बड़े हैं वो एकदम तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखिए, एकदम रेडी हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनकर आए हैं ये। ये देखिए, इसी तरह मैं सारे बड़े जो है सेक लूँगी। फिर से मैं बड़े को डाल रही हूँ कढ़ाई में। जैसे मैंने फर्स्ट में प्रोसेस की थी वैसे ही प्रोसेस से इस बार भी मुझे सेकना है। तो ये फिर से मीडियम फ्लेम में ही मैं सेक रही हूँ।
गाइस ये बड़े जो है सिक रहे हैं, अब इनको मैं थोड़ा पलट देती हूँ ताकि अच्छे से दोनों साइड अच्छे से सिक जाए। देखिए गाइस एक साइड से भी अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, मैं एक बार इनको फिर से पलट देती हूँ और हल्का एक से डेढ़ मिनट के लिए इनको सेक लूँगी। इस तरह से मेरे जो बड़े हैं वो सिक कर रेडी हो गए हैं, तो मैं इनको भी निकाल लेती हूँ। गाइस मैंने सारे जो बड़े हैं वो तल के तैयार कर लिया है, आप भी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी रेसिपी। प्रतीक्षा की रेसिपी को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर माय चैनल। ये सारे बड़े जो है तैयार हो गए गाइस, देखिए कितने फूले फूले बड़े बन रहे हैं मेरे, एकदम फूले फूले बड़े, बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी हैं ये सारे बड़े मैंने तैयार कर लिए। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगे, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।